हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैडम, हम थोड़ा सा परेशान हैं क्योंकि जो सीएस फाउंडेशन है वो सीएस फाउंडेशन को कन्वर्ट करके सीएसईईटी बना दिया गया है। तो क्या हो गया अगर सीएस फाउंडेशन को सीएसईईटी में कन्वर्ट कर दिया? मैम, यहां पर नाम में कन्वर्जन के साथ साथ में कोर्स के सिलेबस में भी चेंजेस आए हैं। हाँ, सिलेबस में भी डेफिनेटली चेंजेस आए हैं। सीएस फाउंडेशन में आपके सामने लॉ से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो कि अब कन्वर्ट हो गए हैं और आपके सामने लीगल एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट आ गया है। मैडम, सिलेबस में बहुत सारा चेंज आया है और हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये खड़ी हो गई है कि सीएस फाउंडेशन का तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिला करते थे, कुछ पास्ट का मटेरियल था स्टूडेंट्स के पास स्टडी करने के लिए, उन्हें पता हुआ करता था कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा सीएसईईटी के स्टूडेंट्स का, तो हम इस अटेम्प्ट में कैसे अपने क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चंस को आंसर करेंगे? जब हम क्वेश्चन पेपर को लेकर के बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमारे माइंड में तो कुछ भी एक क्लैरिटी नहीं होगी कि कैसे पहले एग्जाम आया करता था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यहां पर जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैं आपको क्लियर करवाऊंगी विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम इस सब्जेक्ट के अंदर में, यानी कि लीगल एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे एवरी टॉपिक की, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहां कवर करेंगे। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को हम एवरी टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनके आंसर्स हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हमें उसका आंसर देना है, वो सभी चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी। तो यहां आपको परेशान होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद प्रैक्टिस कंप्लीट करवाने वाली हूं। तो आज हम लीगल एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑफर। मैडम, पहले ये बताइए कि ये जो ऑफर नाम का टॉपिक है, ये टॉपिक आया कहां से है? देखो बच्चे, ये जो टॉपिक है ये बिजनेस लॉ से आया है आपका। बिजनेस लॉ, बिजनेस यानी कि जो भी हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे सामने कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सामने कंपनी के अलावा पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप के साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमारे सामने एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही हमारे सामने प्रोप्राइटरशिप भी होता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर बिजनेस लॉ की बातें हम लोग कर रहे थे कि बिजनेस लॉ का ही एक टॉपिक है ऑफर, और बिजनेस लॉ की मेजर ऑपरेटिंग यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यानी कि ये जो ऑफर नाम का टॉपिक है ये कहां से आया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो आप यहां पर मेरे साथ एक बार नोट डाउन कर लेंगे, जब भी आप स्टडी करने बैठेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ऑफर नाम का एक टॉपिक आपके सामने आया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसी चैप्टर का एक टॉपिक है ऑफर। मैडम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर की क्या रेलेवेंस है, मैं आपको आज वही बताने जा रही हूं। देखिए, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए आज के सिनेरियो के हिसाब से क्या कोई भी बिजनेस रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के बिना चल सकता है? मैम, बिल्कुल नहीं। आप देखो ना, कंपनी के अंदर में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या वहां पर आपको किसी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अगर हमने क्रिएट नहीं किया तो हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन की कमी होने की वजह से हमें आगे आप कॉन्सिक्वेंसेस
जो फेस करने पड़ सकते हैं. तो हमें जो नेगेटिव इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो फेस करना पड़ सकता है. दैट इज वाई हम हर एक बिजनेस के अंदर में क्या करते हैं, हर एक बिजनेस में हम डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, वो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन. और वहां पर अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली क्रिएट किए जाते हैं बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए. तो इसीलिए यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बिजनेस लॉ के अंदर में बेसिक यूनिट मानी जाती है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ की मेजर ऑपरेटिंग यूनिट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड हैं. आप पार्टनरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने 11th 12th क्लास में पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं. और साथ ही साथ पार्टनरशिप हमने बहुत कॉमनली लोगों से सुना भी हुआ है कि पार्टनरशिप बना करके हम बिजनेस कर सकते हैं. तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप हम लोग करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर में जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं, उन सभी लोगों को पार्टनरशिप का एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है. उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है. तो क्या वहां भर भी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते होंगे या नहीं होते होंगे? तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में कनेक्टेड हैं, और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. इसीलिए इस चैप्टर की रेलेवेंस है आपके कोर्स के अंदर में. तो लीगल एप्टीट्यूड जो है वहां पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ऑफर डिस्कस करने जा रहे हैं. अब ऑफर कैसे आपका क्रिएट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर का क्या रेलेवेंस है, या एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर किस स्टेज के ऊपर में आता है? देखिएगा आप, मैं यहां एक डायग्राम ड्राफ्ट कर रही हूं. मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को ऑफर दिया टू बाय अ पेन एट रुपीज 10. मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को ऑफर दिया कि मैं 10 रुपीज का पेन बाय करना चाहता हूं आपसे. यहां पर शाम के पास ये पूरी पूरी डिस्क्रिएशन है, ये पूरी पूरी चॉइस है कि या तो वो राम के प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है. ये दोनों ही सिचुएशन उसके पास में है. जब यहां पर एक्सेप्टेंस की सिचुएशन आएगी, एक्सेप्टेंस की सिचुएशन आएगी, तो दोनों के बीच में एक प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है. दोनों के बीच में क्या हो जाता है, प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है. और जहां ये प्रॉमिस क्रिएट होगा, तो दोनों के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है. राम और श्याम दोनों एक लीगल प्रॉमिस से बाउंड हो जाएंगे, एक लीगल प्रॉमिस से बंध जाएंगे, और दोनों को अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करना पड़ेगा. अगर दोनों ने अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया, ब्रेक कर दिया, तो लीगल पनिशमेंट भी यहां पर रेडी होती है. अगर यहां पर लीगल ऑब्लिगेशंस को आपने फुलफिल नहीं किया, प्रॉमिस को आपने कंप्लीट नहीं किया, प्रॉमिस को तोड़ दिया, तो यहां आपको जो भी लीगल इफेक्ट है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं. तो राम और श्याम के बीच में क्या हुआ था, हम दोबारा देखते हैं एक बार. राम ने श्याम को ऑफर दिया था. प्राइमरी स्टेज क्या थी, प्रॉमिस की. प्रॉमिस की प्राइमरी स्टेज थी ऑफर देना, राइट? यहां पर राम ने श्याम को ऑफर दिया. ऑफर देने के बाद ही तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की सिचुएशन आएगी ना. तो राम ने जब श्याम को ऑफर दिया, तो श्याम ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में दोनों के बीच में एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ. अगर दोनों के बीच में लेन देन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन. प्रॉमिस के साथ साथ अगर हो गया कंसिडरेशन, प्रॉमिस के साथ साथ अगर हो गया कंसिडरेशन यानी कि लेन देन, तो यहां पर बन जाएगा एक अग्रीमेंट. क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट लीगली अगर एनफोर्स हुआ, लीगली एनफोर्स हुआ, तो वो आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. ये लीजिए, आपको ऑफर समझाने के लिए पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइमरी स्टेज होती है ऑफर. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना. एक बार दोबारा देखेंगे आप मेरे साथ.
राम ने शाम को एक प्रपोजल दिया कि मैं तुमसे पेन 10 रुपए में परचेज करना चाहता हूं। श्याम ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर एक्सेप्ट करते ही दोनों के बीच में बन गया एक प्रॉमिस। जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट हुआ तो दोनों ने उस प्रॉमिस को फुलफिल किया और एक दूसरे को पेन और पेमेंट का लेन देन कर दिया। जहां पर पेन और पेमेंट का लेन देन हुआ उस स्टेज को हमने कंसिडरेशन के नाम से जाना। जब यहां पर कंसिडरेशन हो गया तो उसे हमने कहा अग्रीमेंट, दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया। अगर मान लीजिए पैसे देने के बाद में, पेमेंट देने के बाद में पेन में कोई डिफेक्ट निकलता, पेन में कोई डिफेक्ट निकलता तो क्या उस डिफेक्ट को ठीक करवाने के लिए कोर्ट के पास जाया जा सकता था या नहीं जाया जा सकता था? जी मैम बिल्कुल, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स में अगर डिफेक्ट निकलता है या फिर हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं उन सर्विसेज के अंदर में अगर कोई कमी निकलती है तो हम उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं और कोर्ट के पास मूव करते हैं। कोर्ट हमारे राइट को ध्यान में रखते हुए जो भी नीडफुल होता है, जो भी बेटर होता है वो हमारे लिए करता है, वो या फिर हमारे लिए करवाता है, राइट। सो यहां इस स्टेज को, जिस भी मैटर को हम कोर्ट में लेकर के जा पा रहे हैं, ऐसे किसी भी मैटर को जिसको भी हम कोर्ट में ले जा सकते हैं या कोर्ट के सामने रख सकते हैं डिसीजन के लिए, उस मैटर को कहते हैं लीगली एनफोर्सिएबल। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसको हम कोर्ट में ले जा सकते हैं या कोई भी ऐसा मैटर जिसको हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं डिसीजन के लिए, कोर्ट जिस पे डिसीजन सुना सकता है उसे हम लीगली एनफोर्सिबल बोलते हैं। उस अग्रीमेंट को हम लीगली एनफोर्सिबल बोलेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मतलब हमें ये समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइमरी स्टेज कहां से शुरू होती है, ऑफर देने से। अगर कोई ऑफर नहीं देगा तो ना ही कभी एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो ना ही कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइमरी स्टेज है ऑफर। चलिए ये तो मैम हमें समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट का जो जन्म होता है वो कहां से होता है, ऑफर से। अब जरा ये बता दो एक बार कि लॉ इसके बारे में क्या बोलता है, यानी कि लीगल लैंग्वेज में ऑफर को कैसे डिफाइन किया गया है, क्या कहा गया है लॉ के अंदर में ऑफर से रिलेटेड। एक बार आप डेफिनेशन देखेंगे मेरे साथ साथ में बोर्ड पे देखेंगे। ऑफर की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए। सेक्शन 2 क्लॉज ए इज ऑफर इज अ मीडियम। ऑफर की डेफिनेशन में क्या कहा गया, ऑफर एक मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एक पर्सन सिग्निफाई करता है, एक पर्सन सिग्निफाई करता है किसी अनदर को हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब इच्छा, डिजायर, राइट। ऑफर एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू एक पर्सन सिग्निफाई करता है किसी अनदर पर्सन को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा टू डू और एब्सटेन। टू डू मतलब कुछ काम करने के लिए अपनी इच्छा किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है एक पर्सन, या फिर कुछ काम ना करने के लिए। यहां पर एक वर्ड है, आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है स्टॉप टू डू समथिंग। एब्सटेन वर्ड का मतलब होता है स्टॉप टू डू समथिंग। ये जरूरी नहीं है कि ऑफर हमेशा कुछ काम करने के लिए ही दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ऑफर किसी काम को करने से रोकने के लिए दिया जाए। बात समझ रहे हैं? तो यहां जरूरी नहीं है कि ऑफर हमेशा कुछ काम करवाने के लिए दिए जाते हैं, ऑफर कुछ काम करने से रोकने के लिए भी दिया जा सकता है। यह सामने वाले की चॉइस है कि वो उस बात को मान रहा है या नहीं मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो आप देखेंगे एक बार दोबारा, ऑफर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है अपनी विलिंगनेस या अपनी डिजायर कुछ काम करने के लिए या फिर कुछ काम करने से रुकने के लिए। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। और जब विलिंगनेस शो की तो इस व्यू के साथ में शो की कि सामने वाला पर्सन एसेंट देगा। यहां एसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस। आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ में, आप नोट करते रहेंगे साथ साथ में, है ना। एब्सटेन वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था स्टॉप टू
डू समथिंग, स्टॉप टू डू समथिंग, राइट. अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, और एब्सटिनेंस यहां आप करेक्शन करेंगे, एब्सटिनेंस, राइट. एक बार दोबारा से डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं और एक बार समझ लेते हैं पहले, है ना. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सिग्निफाई की अपनी विलिंगनेस, अपनी डिजायर कुछ काम करवाने के लिए या फिर कुछ काम करने से रुकने के लिए, राइट. कुछ काम करवाने के लिए या कुछ काम करने से रुकने के लिए. और जब भी वो विलिंगनेस रिप्रेजेंट की तो इस व्यू के साथ में रिप्रेजेंट की कि सामने वाला जिसको भी आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं काम करवाने के लिए, काम ना करवाने के लिए, वो पर्सन आपके बात को सुन करके उस पर आपको जवाब दे हाँ में, एक्सेप्टेंस. यहां मैंने एसेंट वर्ड लिखा ना, एक्सेप्टेंस. मतलब कि अगर इस एग्जाम्पल के अंदर में देखा जाए तो राम ने शाम को कुछ काम करने के लिए अपनी विलिंगनेस शो की, और वो भी इस व्यू के साथ में शो की कि शाम उसकी बात पे एक्सेप्टेंस थी, राइट. तो ऑफर का मतलब यहां पूरा पूरा यही देखा जा रहा है. एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख लीजिए, राम ने शाम को अपनी विलिंगनेस कुछ काम करने के लिए शो की, और ऑफर देना एक मीडियम था अपनी बात को रखने का कि मेरी बात के ऊपर में शाम एक्सेप्टेंस दे दे, राइट. सो यहां पर होपफुली आपको ऑफर समझ आया होगा. एक बार आप दोबारा से रीड कर सकते हैं. ऑफर इज अ मीडियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए. ऑफर इज अ मीडियम जिसके थ्रू एक पर्सन सिग्निफाई करता है किसी अनदर पर्सन को अपनी विलिंगनेस कुछ काम करवाने के लिए और कुछ काम करने से रुकने के लिए, एक ऐसे व्यू के साथ में कि वो सामने वाले की जिसको भी आप विलिंगनेस शो कर रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस चाहता है काम करने के लिए और काम ना करने के लिए, राइट. सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि ऑफर क्या है. चलो ना अब एक बार देखते हैं कि ऑफर कितने तरीके के होते हैं. ऑफर टोटल 7 टाइप्स के आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं. हम वन बाय वन इनको एक बार स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. देखेंगे आप ऑफर, एन ऑफर मे बी अ जनरल ऑफर. नाउ कम टू द पॉइंट, जनरल ऑफर क्या होता है. मैडम जनरल ऑफर के बारे में तो हमारे माइंड में ये आ रहा है कि एक ऐसा ऑफर जो जनरली बस दे दिया गया हो और जनरल पब्लिक को दिया गया हो. यहां पर पर्सन आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए. जनरल ऑफर में सबसे खास बात यह है कि कोई भी पर्सन यहां आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए. जनरल ऑफर जनरल पब्लिक को दिया गया हो, जनरल पब्लिक को दिया गया हो, और जनरल पब्लिक ही डिजायर्ड एक्ट को एक्सेप्ट करेगी, राइट. सो जनरल पब्लिक क्या करेगी, विल एक्सेप्ट डिजायर्ड एक्ट, राइट. जनरल पब्लिक क्या करेगी, उस जनरल प्रपोजल को सुन करके, जनरल ऑफर को सुन करके किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन जनरल पब्लिक में से कोई भी पर्सन उस डिजायर्ड एक्ट को करने के लिए रेडी हो जाएगा और अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा. तो ये जनरल ऑफर होता है. मतलब कि अगर हम किसी को कहें कि मैं ये पेन सेल करना चाहता हूं, इस पेन को जिसको भी खरीदना है वो 10 रुपीज में परचेज कर सकता है. यहां पर हमने किसी आइडेंटिफाई पर्सन को तो ऑफर नहीं दिया ना, तो हमें नहीं पता सामने से कौन हमारे पेन को परचेज करने के लिए आएगा. दिस इज नोन एज जनरल ऑफर. तो जो डिजायर्ड एक्ट है वो कोई भी अननोन पर्सन पब्लिक में से जनरली आता है आपके पास में उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम जनरल ऑफर का नाम देते हैं क्योंकि वो हमने जनरल पब्लिक को दिया है, राइट. अब यहां पर एक और पॉइंट आपका आता है, इन्विटेशन टू एन ऑफर. ऑफर के लिए इन्विटेशन देना, राइट. ऑफर के लिए इनवाइट करना. ऑफर के लिए इनविटेशन कैसे दे सकते हैं, इनविटेशन टू एन ऑफर. मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रही हूं क्योंकि हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें बिजनेस के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा. आप सभी लोग शायद कंपनी के बारे में जानते हैं. कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं. अब यहां पर होता क्या है कि एक जो कंपनी है
मान लीजिए एक कंपनी है, राइट, कंपनी है। अब ये जो कंपनी है इसने क्या किया, इस कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया। मैडम प्रॉस्पेक्टस हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस ना एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी गैदर्ड होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है। उस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। नहीं, यहां पर कंपनी के कंटेक्स्ट में हम लोग बातें कर रहे हैं, हम किसी जनरल प्रॉस्पेक्टस की बात नहीं कर रहे जो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी ने इशू किया हो एडमिशन के पर्पजेस से। नहीं, हम यहां उस प्रॉस्पेक्टस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है। कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी शेयर्स इशू करती है हमेशा एक डॉक्यूमेंट की हेल्प से। कंपनी कभी भी डॉक्यूमेंट के बिना, इस डॉक्यूमेंट के बिना, यानी कि प्रॉस्पेक्टस के बिना, कंपनी कभी भी प्रॉस्पेक्टस के बिना पब्लिक इशू यानी कि शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, पब्लिक इशू नहीं ला सकती है। अब ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि अगर कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया है तो वो जनरल पब्लिक को इशू किया होगा, जनरल पब्लिक को इशू किया होगा। अगर कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया पब्लिक को तो पब्लिक में से, ऐसा ही होता है ना, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है सभी लोगों को, राइट, सभी लोगों को एक डॉक्यूमेंट के थ्रू इन्फॉर्म करती है कि वो शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को। पब्लिक में से मिस्टर एक्स, फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक में से मिस्टर एक्स ने कंपनी के पास में जाकर के शेयर एप्लीकेशन लगाया। कंपनी शेयर एप्लीकेशन के बेसिस पे, हो सकता है मिस्टर एक्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है मिस्टर एक्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। तो यहां पर थर्ड सिचुएशन क्या आती है, थर्ड सिचुएशन आती है एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। नाउ अब आप देखेंगे एक बार कि यहां पर क्या हुआ। यहां पर तीन स्टेजेस आई आपके सामने। फर्स्ट, कंपनी ने पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू किया, शेयर इशूइंग डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, राइट। पब्लिक में से मिस्टर एक्स ने शेयर एप्लीकेशन लगाई और शेयर एप्लीकेशन के बेसिस पे कंपनी ने या तो एक्सेप्ट किया एप्लीकेशन या फिर रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो फर्स्ट स्टेज है प्रॉस्पेक्टस इशू, शेयर इशूइंग डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट है, ये है इनविटेशन टू एन ऑफर। तो मैडम यहां पर ऑफर क्या है, देखो ना, ऑफर यहां पर है मिस्टर एक्स ने जब शेयर एप्लीकेशन लगाया, शेयर एप्लीकेशन मिस्टर एक्स का कंपनी को लगाना इज ऑफर। तो यहां पर जो प्रॉस्पेक्टस इशू करने वाली बात है, यानी कि पॉइंट नंबर वन, दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर, ऑफर के लिए इनविटेशन। और जो शेयर एप्लीकेशन की बात है पॉइंट नंबर टू, मिस्टर एक्स ने जब कंपनी को शेयर एप्लीकेशन लगाया, दैट इज ऑफर। और जो थर्ड स्टेज है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। जो प्राइमरी स्टेज आपकी है ना प्रॉस्पेक्टस इशू, वो प्रॉस्पेक्टस इशू है इनविटेशन टू एन ऑफर। मतलब कंपनी पब्लिक को बोल रही है कि आओ और मुझे शेयर एप्लीकेशन लगाओ, मुझे ऑफर दो, मैं तुम्हारे ऑफर को देख करके ये डिसाइड करूंगी कि मुझे तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की सिचुएशन तो किसके बाद आती है, ऑफर के बाद, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो ऑफर दिया वो किसने दिया, वो ऑफर दिया था पब्लिक में से मिस्टर एक्स ने, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल था इनविटेशन टू एन ऑफर का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनविटेशन टू एन ऑफर में। यहां पर एक और एग्जाम्पल आता है टू लेट, जब हम रूम रेंट पर लेने जाते हैं अकोमोडेशन के लिए, तो वहां पर टू लेट का जो बोर्ड लगा होता है, दैट टू लेट बोर्ड इज इनविटेशन टू एन ऑफर। वो इन्वाइट किया गया है ऑफर के लिए, इनवाइट किया गया है उस बोर्ड के थ्रू ऑफर के लिए। टूलेट का जो बोर्ड है दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। उस बोर्ड को देख करके जो रेंटल है या टेनेंट है वो जाकर के लैंडलॉर्ड के पास में क्या करता है, ऑफर देता है एक नॉमिनल अमाउंट के ऊपर में। अब ये लैंडलॉर्ड की डिस्क्रिएशन होती है, लैंडलॉर्ड की मर्जी होती है कि लैंडलॉर्ड
दिए गए प्राइस के ऊपर में रूम रेंट पे देने के लिए एक्सेप्टेंस देता है या फिर रिजेक्शन देता है। तो यहां पर जो टूलेट का बोर्ड है, दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। तो यहां मैं आपको कुछ कुछ टर्म्स बता देती हूं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इनविटेशन टू एन ऑफर होती हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इनविटेशन टू एन ऑफर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती। लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा ऑफर और एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है। इनविटेशन टू एन ऑफर तो जस्ट एक इंटेंशन होता है ऑफर, जस्ट एक इंटेंशन होता है किसी काम को डिक्लेयर करने के लिए या किसी काम को करने के लिए। यहां पर कोई ऑफर नहीं होता इनविटेशन टू एन ऑफर, वो तो आपको इनवाइट किया गया है। ऑफरर को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे पास और हमें ऑफर दो, हम देखेंगे आपके ऑफर को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैं एग्जांपल आपको दे देती हूं, पब्लिक नोटिसेस कैटलॉग्स एंड एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिक नोटिसेस कैटलॉग्स एंड एडवर्टीजमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इनविटेशन टू एन ऑफर होती हैं। ये हम इनवाइट करते हैं ऑफर के लिए पब्लिक को, पब्लिक हमारे पास आती है, पब्लिक में से कोई भी हमारे पास आता है, हमें ऑफर देता है और फिर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें उसके प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, राइट? सो होपफुली आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा इनविटेशन टू एन ऑफर का। नाउ अब हमारे पास में नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास में है स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर क्या होता है? मैंने कहा कि मैं अपना मोबाइल सेल करना चाहती हूं, मैं अपना मोबाइल सेल करना चाहती हूं। मिस्टर एक्स, क्या आप मेरा मोबाइल इतने अमाउंट के ऊपर में परचेज करेंगे? ये मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर या एक आइडेंटिफाइड पर्सन को, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने एक आइडेंटिफाइड पर्सन को प्रपोजल दिया या फिर ऑफर दिया। जब भी किसी आइडेंटिफाइड पर्सन या स्पेशल पर्सन को ऑफर दिया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाता है या फिर क्लास ऑफ पर्सन को ऑफर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ऑफर, राइट? तो आप यहां लिख लेंगे आइडेंटिफाइड ऑफर गिवन टू आइडेंटिफाइड पर्सन, आइडेंटिफाइड पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक कम्युनिटी ऑफ द पर्सन को, जैसे फॉर स्पेसिफिकली हमारा ऑफर अगर डॉक्टर्स की सोसाइटी के लिए है, इंजीनियर्स की सोसाइटी के लिए है या फिर पर्टिकुलरली हमारा आर्किटेक्चर की सोसाइटी के लिए है, तो वो क्लास ऑफ पर्सन हो गया। मतलब जहां पर एक पर्टिकुलर क्लास के पर्सन अवेलेबल होंगे उनको अगर हमने ऑफर दिया तो वो भी स्पेशल ऑफर ही कहलाएगा, राइट? सो यहां पर आइडेंटिफाइड पर्सन को या फिर पर्टिकुलर पर्सन को अगर ऑफर दिया गया तो वो स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगा। चलिए, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर की बातें तो यहां पर हो गई हैं, अब थर्ड हमारे सामने है क्रॉस ऑफर। मैडम, क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर का सीधा सीधा रिलेशन होता है आइडेंटिकल वर्ड से। आइडेंटिकल वर्ड मैम थोड़ा बहुत सुना हुआ लग रहा है, आइडेंटिकल वर्ड का मतलब होता है मिलता जुलता हुआ या फिर सिमिलर, राइट? आप यहां लिख लेंगे क्रॉस ऑफर आइडेंटिकल या फिर सिमिलर ऑफर, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। जब दो लोगों ने एक दूसरे के लिए ऑफर प्रिपेयर किए होते हैं और वो भी सिमिलर या फिर आइडेंटिकल, मतलब कि मिलते जुलते हुए ऑफर एक दूसरे के लिए
जब दो लोगों ने प्रिपेयर किए होते हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, तो उसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं. क्रॉस ऑफर ऑलवेज रिलेट करता है आइडेंटिकल और सिमिलर वर्ड से. दो लोग एक दूसरे के लिए मिलते जुलते हुए ऑफर प्रिपेयर करेंगे इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, तो उसको हम क्रॉस ऑफर के नाम से जानते हैं, राइट. फोर्थ आपके सामने है काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर में क्वालिफाइड वर्ड एक आता है, क्वालिफाइड या फिर मॉडिफिकेशन या फिर वेरिएशन. वेरिएशन, राइट. काउंटर ऑफर क्या होता है? होपफुली आप सभी लोगों ने ट्रैवल किया होगा ऑटो रिक्शाज ने. हम सभी लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मैम, हम सभी लोग करते हैं. आप बताइए ऑटो रिक्शा में काउंटर ऑफर का कैसे रिलेशन है? चलिए मैं बताती हूं आपको. मान लीजिए कि आप एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास गए और आपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कहा कि मुझे पर्टिकुलर इस डेस्टिनेशन के ऊपर में जाना है. ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा मैम चलेंगे या सर चलेंगे, तो वहां पर आपने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन आप मुझे फेयर बता दीजिए. ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने आपको कहा 100 रुपीज में लेकर के जाऊंगा, आपने कहा चलना है तो 80 रुपीज में चलो. यहां आपने क्या किया? आपने ऑटो ड्राइवर के ओरिजिनल ऑफर के अंदर, मतलब जो 100 रुपीज का प्रपोजल ऑटो ड्राइवर ने आपको दिया, उस 100 रुपीज के अंदर में आपने जो मॉडिफिकेशन किया, जो चेंज किया, और चेंज करके आपने 80 रुपीज का उसको दोबारा से एक ऑफर दे दिया, उसको कहेंगे काउंटर ऑफर. अब सोचो आपने जो दोबारा से ऑफर दिया ऑटो रिक्शा ड्राइवर को, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को आपने 80 रुपीज का ऑफर दे दिया. अब उसकी मर्जी है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है आपके 80 रुपीज वाले प्रपोजल को या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है आपके 80 रुपीज वाले प्रपोजल को. तो ऑफर के बाद ही तो एक्सेप्टेंस की सिचुएशन और रिजेक्शन की सिचुएशन आती है. तो यहां पर दो दो ऑफर हो गए. एक तो हो गया ओरिजिनल ऑफर जो ऑटो ड्राइवर ने 100 रुपीज का आपको दिया, और ओरिजिनल ऑफर में जब भी कोई मॉडिफिकेशन या वेरिएशन करके आप उसी पर्सन को वो ऑफर देते हैं तो वही ऑफर काउंटर ऑफर कहलाता है. यानी कि यहां पर मॉडिफिकेशन और वेरिएशन क्या था? 80 रुपीज का. यहां आपने जो 20 रुपीज लेस कर दिए ना, 80 रुपीज कन्वर्ट कर दिया उसको, वो था आपका काउंटर ऑफर ऑटो रिक्शा ड्राइवर को, राइट. तो यहां मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं. जब भी काउंटर ऑफर आपके सामने एग्जाम में आता है तो काउंटर ऑफर के अंदर में आपको 3 वर्ड्स उससे रिलेट करने हैं. क्वालिफाइड यानी कि विद चेंजेस. क्वालिफाइड वर्ड का मतलब क्या है? विद चेंजेस. क्वालिफाइड एक वर्ड है, इसका मीनिंग आप लोग नोट डाउन करेंगे अभी अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये वर्ड कॉमन नहीं है, आपके माइंड से स्किप हो सकता है. क्वालिफाइड वर्ड का मतलब है विद चेंजेस. काउंटर ऑफर में आप क्या करते हैं? ओरिजिनल ऑफर के अंदर में मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके सामने वाले को दोबारा एक ऑफर दे देते हैं, तो वो काउंटर ऑफर कहलाता है. और उसके अंदर में हम उसे क्या बोलते हैं कि हमने ओरिजिनल ऑफर में चेंजेस कर दिए हैं, और ये चेंजेस कहलाते हैं क्वालिफाइड, राइट. क्वालिफाइड, तो यहां पर क्वालिफाइड वर्ड का चेंजेस से रिलेशन है. मॉडिफिकेशन कर दिया आपने या फिर कुछ बदलाव कर दिए, तो ये है आपके सामने काउंटर ऑफर. नेक्स्ट आपके सामने है स्टैंडिंग ओपन या कॉन्टिन्यूइंग ऑफर. एक ऐसा ऑफर जो ओपन रहे फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब एक ऑफर ओपन रहता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर. ऑफर रिमेन, नोट करेंगे आप, ओपन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंडर. टेंडर जब भी ओपन होता है तो आपको पता है कि वो कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए ओपन होता है. तो जो टेंडर सप्लाई ऑफ गुड्स का ओपन होता है वो आपका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है,
राइट. तो ऐसे ऑफर विच विल रिमेन ओपन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ओपन और कॉन्टिन्यूइंग ऑफर. राइट. सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा. टेंडर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑफर. नेक्स्ट है एक्सप्रेस ऑफर. देखिए मैं आपको अगर कहूं कि मुझे एक्सप्रेस करो आपको मैथ्स सब्जेक्ट कैसा लगता है, आपको अकाउंट सब्जेक्ट कैसा लगता है, आपको लॉ सब्जेक्ट कैसा लगता है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने कहूं, मैं कहूं कि आप अपनी जो फीलिंग्स हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप एक्सप्रेस करिए, तो आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? या तो आप ओरल एक्सप्रेशन देंगे, बताएंगे ओरली, या फिर आप रिटर्न एक्सप्रेशन देंगे, आप रिटर्न एक्सप्रेस करेंगे. मतलब या तो आप बोल करके बता सकते हैं या फिर आप लिख करके बता सकते हैं. तो एक्सप्रेस ऑफर कुड बी ओरल और रिटर्न. इट कुड बी ओरल और रिटर्न. राइट. तो कोई भी ऐसा प्रपोजल या कोई भी ऐसा ऑफर जो बोलकर या लिखकर दिया गया हो वो भी ऑफर माना जाता है. नेक्स्ट है आपके पास इंप्लाइड ऑफर. इंप्लाइड ऑफर बाय द कंडक्शन ऑफ पार्टीज क्रिएट होते हैं. आप लिखेंगे यहां बाय द कंडक्ट स्लैश एक्टिविटीज ऑफ पार्टीज बाय द कंडक्ट स्लैश एक्टिविटीज ऑफ पार्टीज. मैम इम्प्लाइड ऑफर का थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है. इम्प्लाइड का मतलब होता है प्रिज्यूम्ड. राइट. जो हमने अज्यूम कर लिया हो, प्रिज्यूम कर लिया हो, ऐसे कौन से ऑफर होते हैं? हम डे टू डे लाइफ में ऐसे ऑफर क्रिएट करते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं मैम हमें आज तक नहीं पता. हमें बताओ ना ऐसे कौन से ऑफर हैं जिनको प्रिज्यूम कर लिया जाता है और हमें पता भी नहीं लगता. लेकिन वो कैसे प्रिज्यूम होते हैं? वो हमारी एक्टिविटीज से, हमारे कंडक्शन से, हमारी हरकतों से प्रिज्यूम होते हैं. मैडम ऐसे कौन से ऑफर हैं? आप देखो ना, आप जब किसी भी कॉफी शॉप पर जाते हैं, कॉफी शॉप पर जाकर के आप पेमेंट देते हैं और सामने जो कॉफी शॉप पे शॉपकीपर हैं वो आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट करके आपको कॉफी देते हैं. तो यहां पर आपने ये तो नहीं कहा ना कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करिए, हम एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे. ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल पर्सन लॉ के बारे में नहीं जानता होगा, इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता होगा. लेकिन क्या उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है अगर कॉफी में डिफेक्ट निकले तो? मैम बिल्कुल है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज को लीगल राइट्स देना. तो यहां पर जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर में काम करते हैं ना, वो सभी काम हमारी कंडक्शन से या हमारी एक्टिविटीज से एक ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड ऑफर मान लिए जाते हैं. जैसे कॉफी शॉप के ऊपर में जाकर के पेमेंट देना प्रिज्यूम्ड ऑफर है. हमने अगर वो कॉफी परचेज की और कॉफी में अगर कुछ ऐसा एलिमेंट निकलता है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, तो उससे रिलेटेड क्या हम अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं कोर्ट में या नहीं कर सकते? यही तो कॉन्ट्रैक्ट की लीगल राइट्स हैं जो लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, जो पब्लिक को प्रोवाइड किए गए हैं. राइट. और ये कैसे ये ऑफर डिराइव हुआ, ये कैसे पता लगा कि कॉफी के लिए पेमेंट देना ऑफर था? ये इंप्लाइड ऑफर है. ये आपके कंडक्शन से या हम सबके कंडक्शन या एक्टिविटीज से ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम किए जाते हैं, मान लिया जाता है कि आपने ऑफर दिया है, क्योंकि हमारे कंडक्ट या हमारी एक्टिविटीज ऐसी थी जो एक ऑफर को क्रिएट कर रही थी. राइट. सो यहां पर बाय द कंडक्ट या एक्टिविटीज ऑफ पार्टीज आप लिख सकते हैं यहां पर एग्जाम्पल ऑन कॉफी. राइट. एग्जाम्पल ऑन कॉफी. सो ये आपके सामने मैंने ऑफर बता दिए हैं कितने तरीके के होते हैं. अब एक बार फटाफट से हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं ऑफर के. देखो ना, एलिमेंट्स ऑफ ऑफर. ऑफर के एलिमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? देखो ऑफर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ऑफर ऐसा होना चाहिए जहां पर आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन हो. अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन ही नहीं है तो फिर लीगल राइट्स लेकर के करोगे क्या? अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन हो, कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तभी आप एक ऑफर क्रिएट करिए. आप कोई भी ऐसा ऑफर क्रिएट मत करिए जो कि सोशल नेचर का हो
या फिर डोमेस्टिक नेचर का हो या फ्रेंडली रिलेशन के लिए हो, जैसे हम आपस में फ्रेंड्स में करते हैं ना, फ्रेंड्स में हम आपस में, आप लोग भी करते होंगे सब लोग, है ना, करते हैं कि नहीं करते, कैसा ऑफर आप देते हैं, आप मेरे घर पर मेरी बर्थडे पार्टी में आना, आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया कि आज मेरा बर्थडे है और आज आप सभी लोग मेरी बर्थडे पार्टी के अंदर में आना। यहां पर आपने उनको ऑफर तो दिया, लेकिन ये कैसे नेचर का था, ये आपका सोशल या फ्रेंडली नेचर का था। और सोशल और फ्रेंडली नेचर के जो ऑफर होते हैं वो कभी भी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते। तो आपको जो भी ऑफर देना है वो ध्यान रखिए, वो तभी आपको लीगल राइट्स प्रोवाइड करेगा जब आपकी इंटेंशन कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन करने की हो या फिर आपकी इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की हो। राइट, डन है। नेक्स्ट आपके सामने है इट मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन मतलब स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, आप यहां लिख लीजिए स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑयल के डीलर को कहा कि मुझे ऑयल चाहिए, मुझे 5 लीटर्स ऑयल चाहिए, मैंने ये बोल दिया। मुझे ऑयल के डीलर ने कहा मिल जाएगा मैम, और मुझे उसने ऑयल कोकोनट ऑयल दे दिया। मैंने बोला मुझे ये वाला ऑयल नहीं चाहिए था। डीलर ने कहा मैडम आपने मुझे यहां पर कहां बताया कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए, ऑयल की तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, ऑयल कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, रिफाइंड ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल भी हो सकता है, आपने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि आपको 5 लीटर क्वांटिटी कौन से वाले कैटेगरी के ऑयल की चाहिए। आप अगर मुझे प्रॉपर स्पेसिफिकेशन देते, आप मुझे ये बताते कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए, तभी शायद मैं आपको राइट ऑयल डिलीवर कर पाता। यहां पर मेरे ऑफर के अंदर में सर्टेनिटी यानी कि प्रॉपर स्पेसिफिकेशन था या नहीं था, मैडम बिल्कुल भी नहीं था। आपने ठीक से बताया ही नहीं ऑयल के डीलर को कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए, तो क्योंकि आपके ऑफर में प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं था तो आपका ऑफर माना ही नहीं जाएगा, कि क्योंकि ऑफर का जो एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट, वो यही कहता है कि ऑफर सर्टेन होना चाहिए यानी प्रॉपरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो कि आपका दिया गया ऑफर नहीं था तो वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। राइट, सो यहां पर आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑन ऑफर, एग्जाम्पल ऑन ऑयल। राइट, और जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था, एसेंशियल एलिमेंट था, इसमें आप लिख सकते हैं नॉट सोशल कॉमा फ्रेंडली कॉमा डोमेस्टिक नेचर। राइट, क्लियर है, कैसा नहीं होना चाहिए, सोशल फ्रेंडली या डोमेस्टिक नेचर का आपका ऑफर नहीं होना चाहिए। थर्ड है आपके सामने ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एंड एन इनविटेशन टू एन ऑफर। देखो ऑफर के लिए आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। ऑफर जब भी आप ऑफर देते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ऑफर हमेशा आपने क्लियरली स्पेसिफाई किया हो, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सोच रहे हो, थॉट कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, या फिर आपकी इंटेंशन हो ऑफर देने की। ऑफर देने के लिए आपको एटलीस्ट बोलना तो पड़ेगा ना, हमने यहां पर देखा ना कि ऑफर ओरल या रिटर्न दोनों हो सकता है, या फिर आपके कंडक्शन से प्रिज्यूम किया जा सकता है। राइट, तो या तो आपको ऐसा कंडक्शन या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी कि वो ऑफर नजर आए, या फिर आपको बोलना पड़ेगा या आपको लिखना पड़ेगा, तभी ऑफर माना जाएगा। अगर आपने बोला भी नहीं, लिखा भी नहीं, कंडक्ट भी नहीं किया, एक्टिविटीज भी नहीं की ऑफर की तरह, तो फिर कैसे ऑफर प्रिज्यूम होगा। आप सिर्फ अभी प्लान कर रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं, आप अभी थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है कि मैं ऑफर दूंगा, मैं अपनी कार सेल करूंगा, आपका थॉट चल रहा है अभी, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप अभी सोच रहे हैं, आपकी इंटेंशन है ऑफर देने की, लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो क्या ये ऑफर माना जाएगा? नहीं, इंटेंशन ऑफर देने की रखना काफी नहीं है ऑफर के लिए, उसके लिए आपको क्लियरली ऑफर डिलीवर करना पड़ता है। राइट, और इनविटेशन टू एन ऑफर तो वैसे भी ऑफर नहीं होता, इनविटेशन टू एन ऑफर तो जस्ट पब्लिक को इनवाइट करना होता है, पब्लिक में से कोई भी आकर के आपको ऑफर देगा, आप अपनी मर्जी से उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं।
यहां पर मैं आपको एक केस लॉ बता रही हूं, एक बहुत फेमस केस लॉ है, बहुत फेमस केस लॉ, हरीस वर्सेस निकर्सन, हरीस वर्सेस निकर्सन। हरीस वर्सेस निकर्सन केस के अंदर क्या हुआ था, निकर्सन एक ऐसा पर्सन था जिसने फर्नीचर सेल एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर दिया था, राइट। मैं यहां लिख रही हूं इस केस का जो मैटर था, फर्नीचर सेल एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर गिवन बाय एन, यानी कि निकर्सन। निकर्सन ने फर्नीचर सेल एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर के अंदर में, राइट। हरीश ने न्यूज़पेपर को रीड किया और हरीश ने ऑक्शन की दी गई डेट और टाइम के ऊपर में आकर के फर्नीचर सेल एडवर्टीजमेंट को देखते हुए उसने फर्नीचर को बाय करने की इंटेंशन शो की। अब यहां पर निकर्सन जो है वो उस फर्नीचर को ऑलरेडी बेस्ट रेट्स के ऊपर में बेच चुका था, राइट। बेस्ट रेट के ऊपर निकर्सन सेल कर चुका था। हरीश ने निकर्सन के ऊपर में केस कर दिया और ये कहा कि जब इन्होंने फर्नीचर सेल की एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे दी है तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो अब तो निकर्सन को फर्नीचर मुझे ही सेल करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा ध्यान से पढ़ो, मैंने एक रूल बताया था कि कोई भी पब्लिक नोटिस, कोई भी कैटलॉग या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं होगी, वो इनविटेशन टू एन ऑफर होगी। जब वो ऑफर है ही नहीं तो आपकी तो एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं उठता, तो यहां पर आपकी एक्सेप्टेंस हुई नहीं क्योंकि इनविटेशन टू एन ऑफर था वो न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट, और इनविटेशन टू एन ऑफर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। वो ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है जो लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज पे क्रिएट करता है, इनविटेशन टू एन ऑफर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। तो यहां पर निकर्सन का न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना इनविटेशन टू एन ऑफर था और वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, इसीलिए आपका जो केस है वो जस्टिफाइड नहीं है, राइट। आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यहां पर था लालिमन शुक्ला वर्सेस, एक बहुत फेमस केस लॉ था यहां पर भी, लालिमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालिमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यहां हुआ क्या था कि गौरी दत्त के घर का एक स्मॉल किड मिसिंग हो गया था और गौरी दत्त का एम्प्लॉय होने के नाते लालिमन शुक्ला उस किड को, उस बच्चे को, चाइल्ड को ढूंढने के लिए चला गया। लालिमन शुक्ला चाइल्ड को ढूंढने के लिए गया और गौरी दत्त ने रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन रिवॉर्ड की जो नॉलेज थी, रिवॉर्ड होता है ना कि अगर कोई मिसिंग है तो ढूंढने वाले को इतना इनाम दिया जाएगा, है ना। तो पहले भी हुआ करता था ऐसा, अभी भी होता है और पहले भी हुआ करता था कि मिसिंग को अगर कोई ढूंढ करके लेके आ रहा है तो उसको हम इतने अमाउंट का रिवॉर्ड देंगे। तो गौरी दत्त ने ऐसा ही कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया उस चाइल्ड को ढूंढ कर लाने वाले के लिए, राइट। लेकिन ये जो ऑफर था रिवॉर्ड वाला, ये ऑफर लालिमन शुक्ला को कम्युनिकेट नहीं किया। अब लालिमन शुक्ला तो नॉर्मल पर्सन था और ग्रीडीनेस आ गया, लालच आ गया उसके अंदर। जब बच्चे को वो ढूंढ करके लेके आया तो लालिमन शुक्ला ने गौरी दत्त को कहा कि मुझे रिवॉर्ड का अमाउंट चाहिए। गौरी दत्त ने मना कर दिया, गौरी दत्त ने बोला नहीं मिलेगा रिवॉर्ड का अमाउंट। लालिमन शुक्ला ने बोला ऐसा क्यों, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों। तो गौरी दत्त ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये जो रिवॉर्ड था ये तुम्हारे तक पहुंचा ही नहीं, जब तुम्हारे तक नहीं पहुंचा तो ये ऑफर कैसे हुआ, और ऑफर नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली मैं इस पेमेंट को देने के लिए तुम्हें बाउंड हूं ही नहीं, मैं बंधी हुई नहीं हूं इस पेमेंट को देने के लिए तुम्हें, राइट। मैं बंधा हुआ नहीं हूं इस पेमेंट को देने के लिए। तो यहां पर लालिमन शुक्ला ने केस फाइल कर दिया गौरी दत्त के ऊपर रिवॉर्ड के अमाउंट को डिमांड करने के लिए, और कोर्ट ने पता है क्या जजमेंट दिया, कोर्ट ने कहा कि जब ऑफर आपको कम्युनिकेट हुआ ही नहीं तो आपकी एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो यहां पर दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट है ऑफरर और दूसरा है ऑफरी। ऑफरर ऑफरी को
कम्युनिकेट करेगा, राइट, ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट करेगा ऑफर कंप्लीटली, राइट, कंप्लीटली ऑफरर ऑफरी को कम्युनिकेट करेगा ऑफर. ऑफरर वो पर्सन होता है जो ऑफर देता है, ऑफरी वो पर्सन होता है जिसको ऑफर देता है. मतलब हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो राम है ऑफरर, श्याम है ऑफरी. जो ऑफर दे रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो कौन है? राम. और जिसको दे रहा है ऑफर, वो कौन है? श्याम. तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग राम है ऑफरर और श्याम है ऑफरी, राइट. ऑफरर कम्युनिकेट करेगा ऑफरी को, तभी वो ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा और वो वैलिड ऑफर होगा, राइट. नेक्स्ट है, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट. ऐसा मत करना कभी किसी को कहो कि मैं अपना मोबाइल फोन सेल करना चाहता हूं 1000 रुपीज के अंदर. इतना बोल दिया और छोड़ दिया. जिसको ये बता रहे हो उसको ये तो बोलो कि क्या आप मेरा मोबाइल परचेज करोगे. अब जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोली, क्या यहां पर सामने वाले की आप एक्सेप्टेंस लेना चाहते हो, ये शो हो रहा है? हां जी मैम, पहले तो नहीं शो हो रहा था ना. तो आपको जब भी किसी को ऑफर देना है तो आपको हमेशा इस इंटेंशन के साथ में ऑफर देना है कि आप सामने वाले की एक्सेप्टेंस का या उसकी एसेंट का ऑब्टेन करने का वेट कर रहे हैं, तभी वो एक वैलिड ऑफर माना जाएगा, राइट. अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि मैं अपना मोबाइल सेल करना चाहता हूं 1000 रुपीज में, तो यहां पर तो सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं. पता नहीं आप किसको सेल करना चाहते हो, है ना. तो आपको उसको बोलना पड़ेगा क्या आप मेरा मोबाइल परचेज करेंगे. तो यहां पर आप सामने वाले की एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं ना, ऑब्टेन करना चाहते हैं उसकी एक्सेप्टेंस, तो यही आपका वैलिड ऑफर माना जाएगा, क्लियर है. नेक्स्ट है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. मैंने कहा इस पेन की लोएस्ट प्राइस है 20 रुपीज. पेन का लोएस्ट प्राइस मैंने 20 रुपीज बता दिया, लेकिन पेन का जो लोएस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज बता दिया मैंने. क्या केवल प्राइस बता देना काफी है ऑफर क्रिएट करने के लिए? दूसरी स्टेटमेंट सुनिए, इस पेन का लोएस्ट प्राइस है 20 रुपीज, क्या आप इसे परचेज करेंगे? दिस इज ऑफर. फर्स्ट वाले में तो सिर्फ मैंने प्राइस का डिक्लेरेशन दे दिया था, और प्राइस का स्टेटमेंट देना या डिक्लेरेशन देना इज नॉट इनफ टू क्रिएट द ऑफर. तो आपको हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्राइस के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, आपको ये भी दिखा ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा. आपको सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि क्या आप इसको परचेज करेंगे, राइट. नेक्स्ट और लास्ट है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म और कंडीशन, इफ नॉट फुलफिल्ड विल ऑटोमेटिकली बिकम एक्सेप्टेंस. ऑफर में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो जिस पर्सन को आपने वो ऑफर दिया है उसकी ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी. मैडम मतलब समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल दो. ऐसे हमें समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहां पर एग्जाम्पल के लिए. मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपनी कार 5 लाख रुपीज में सेल कर रही हूं. मैं आपकी एक्सेप्टेंस का वेट कर रही हूं 15 डेज तक मैं आपकी एक्सेप्टेंस का वेट कर रही हूं. अगर आपने 15 डेज में मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी या मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो 16th डे मैं ये मान लूंगी कि आप मेरी कार परचेज करना चाहते हैं. मतलब यहां पर मैंने आपके ऊपर में एक ऐसी कंडीशन लगाई कि अगर वो 15 दिन की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपकी जो साइलेंस है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी. बताओ क्या ये कंडीशन वैलिड है? मैम ये कंडीशन थोड़ी सी हमें हजम नहीं हो रही है. हजम नहीं हो रही ना, बेकार लग रही है ना, इसीलिए इस कंडीशन को कहा गया कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. एक बार दोबारा पढ़िए पॉइंट, ऑफर में ऐसी कोई कंडीशन या टर्म नहीं होनी चाहिए. ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म और कंडीशन इफ नॉट फुलफिल्ड. अगर पूरी नहीं हुई ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे वो 15 दिन की कंडीशन मैंने लगा दी ना आपके ऊपर कि 15 दिन की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपकी 16th डे ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी. तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव कंडीशन थी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, राइट. सो होपफुली आपको पॉइंट समझ आए होंगे. अब लास्ट हमारे 2 पॉइंट्स कवर्ड हैं, इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस कवर करेंगे. लास्ट हमारे 2 पॉइंट्स कवर्ड हैं, कम्युनिकेशन
देखो ना, हम क्योंकि ऑफर पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन हम किसका पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. इसके नीचे आप लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू द, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी और टू द पर्सन टू हुम द ऑफर वॉज मेड. राइट, देखो ना क्या लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ऑफर का कम्युनिकेशन तब माना जाता है जब कम्युनिकेशन किसके पास पहुंच जाए, ऐसे पर्सन के पास जिसको आपने ऑफर दिया है. अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट है ये हम पोस्ट और टेलीग्राफ के केस के लिए पढ़ रहे हैं, पोस्ट, टेलीफोनिक, टेलीग्राफ, इन सब केसेस के लिए पढ़ रहे हैं. जहां पर फेस टू फेस बातचीत हो रही है वहां तो आमने सामने ही सारी बात सॉल्व हो जाएगी. जहां पर लोग दूर दूर हैं, जहां समय देना पड़ता है, वहां की बातें हम लोग कर रहे हैं कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा. ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा जब नॉलेज में आ जाए. किसकी नॉलेज में, जिसको आप ऑफर दे रहे हो. देखो ना एक बार दोबारा पढ़ो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट्स व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको एक प्रपोजल दिया कि मैं अपना फ्लैट सेल करना चाहती हूं, मैं अपना फ्लैट आपको 20 लाख रुपीज में सेल करना चाहती हूं, आपको मैं अपना फ्लैट 20 लाख रुपीज में सेल करना चाहती हूं, ये बात मैंने आपको बोल दी है, लेकिन ये बात मैंने आपको पोस्ट के थ्रू एक लेटर में लिख करके भेजी है. जब मैंने आपको ये बात पोस्ट के थ्रू लेटर में लिख करके भेजी तो मेरा जो ऑफर है वो कब कंप्लीट माना जाएगा, जब मैं आपको बात बोल दूंगी तब कंप्लीट माना जाएगा, या फिर आपके पास मेरा लेटर पहुंच जाएगा तब कंप्लीट माना जाएगा, या फिर आप मेरे लेटर को रीड कर लेंगे तब कंप्लीट माना जाएगा. मैडम लग तो रहा है जब हम उसे रीड कर लेंगे तब कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि कम्युनिकेशन ऑफर का तब माना जाता है जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए, जो बात आप बोल रहे हैं वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए, जो ऑफर आप दे रहे हैं वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए जिसको आप ऑफर देना चाहते हैं या दे रहे हैं. राइट, तो मैडम क्योंकि आप हमें फ्लैट सेल करने की बात कर रहे थे और फ्लैट सेल करने का ऑफर हमें दे रहे थे, तो वो ऑफर जिस दिन हमारी नॉलेज में आ जाएगा उसी दिन वो ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाएगा. बात बिल्कुल ठीक है, मतलब जिस टाइम पे आप प्रपोजल को रीड कर लेंगे उसी वक्त वो आपकी नॉलेज में आ जाएगा और आप कौन है, ऑफरी, तो ये ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाएगा. अब बात है रिवोकेशन की, ऑफर रिवोक कब माना जाता है, रिवोक मतलब विड्रॉल, विड्रॉल आप रिवोक कब कर सकते हैं ऑफर को, या फिर आप ऑफर को विड्रॉ कब कर सकते हैं. यहां पर आप लिख लेंगे विड्रॉल. कई बार क्या होता है कि ऑफर हम लोग दे देते हैं लेकिन ऑफर देने के बाद हमें ऐसा रियलाइज होता है कि हमने ये ऑफर गलत दे दिया, हम इस ऑफर को वापस लेना चाहते हैं, अपने बोले गए शब्दों को हम वापस लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं. तो यहां पर क्या ऑफर को रिवोक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है लेकिन कब. देखिए अभी जो एग्जाम्पल हमने उठाया था उसी एग्जाम्पल को हम कॉन्टिन्यू करते हैं, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. मैंने आपको फ्लैट सेल करने का प्रपोजल दिया 20 लाख रुपीस का, आपने लेटर को रिसीव किया और लेटर को रीड किया, रीड करते ही मेरा कम्युनिकेशन आपके पास कंप्लीट हो गया. लेकिन लेटर को रीड किया आपने आज और आपने उस प्रपोजल का जवाब लिखा कल, नेक्स्ट डे. राइट, प्रपोजल का जवाब आपने नेक्स्ट डे लिखा और जवाब लिख करके आप उसे मुझे पोस्ट करने जा रहे थे, तो जिस वक्त आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मेरे प्रपोजल का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिस वक्त आप पोस्ट करने जाएंगे उसके पहले पहले मैं उस प्रपोजल को रिवोक कर सकती हूं. यानी कि अगर आपने एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया ना मेरे लिए, तो फिर मैं उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकती. जो भी करना है वो आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि ऑफरी के एक्सेप्ट करने के, एक्सेप्ट करना और एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करना, पोस्ट करने के पहले पहले करना पड़ेगा.
राइट. तो यहां पर ऑन और बिफोर पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. क्लियर है? ऑन और बिफोर पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि आप मेरे फ्लैट को अगर सेल, मैंने सेल करने का प्रपोजल आपको दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के लिए आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट करके पोस्ट करने जा रहे थे, तो जब तक आप पोस्ट करेंगे तब तक मैं उसको रिवोक कर सकती हूँ. जिस दिन आपने उसको पोस्ट कर दिया ना और वो मेरे पास के लिए ट्रांजिट में निकल चुका है, उसके बाद मैं उसको रिवोक नहीं कर सकती. अब मेरी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि मुझे आपको वो फ्लैट 20 लाख रुपए में सेल करना ही करना पड़ेगा. बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? तो ये आपके सामने था कंप्लीट टॉपिक. होपफुली आपको समझ आया होगा. मैं आपको एक मिनट का समय दे रही हूं, आप जो भी बोर्ड पर लिखा है उसे नोट डाउन करेंगे. इसके बाद में हम अपना कवरेज करेंगे कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का, राइट. तो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं थोड़ी देर में. आप एक काम करेंगे, आप इसको नोट करेंगे. चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपके आज के कवर्ड टॉपिक के ऊपर में. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे और ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, सो दैट कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ऑफर पे बेस्ड क्या आ रहा है मल्टीपल चॉइस. फर्स्ट है, व्हेन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन इट इज. याद करिए मैंने क्या कहा था, जब भी ऑफर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं तो उस ऑफर को हम क्या कहते हैं. ऑप्शंस आपके सामने हैं. फर्स्ट ए ऑप्शन है जनरल ऑफर, सेकंड ऑप्शन है स्पेशल ऑफर, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस ऑफर और फोर्थ है काउंटर ऑफर. मैडम हमें इसका आंसर आता है. आपने बताया था कि जब भी ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है तो उस ऑफर का नाम होता है स्पेशल ऑफर. तो फटाफट से आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन है, जब दो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं आइडेंटिकल ऑफर तो वो ऑफर क्या कहलाता है. When two parties exchange identical offer, the offer are called. Option number A, general offer. Option number B, special offer. Option number C, cross offer. Option number D, counter offer. याद करिए मेरी बात. मैंने आपको कहा था जहां पर भी identical या similar word आ जाए आपके सामने और आपके सामने option दिखाई दे cross offer का, तो आप फटाफट से उसको tick कर दीजिएगा बिना सोचे समझे. आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफर का सीधा सीधा रिलेशन होता है क्रॉस ऑफर से. तो आपका आंसर है सी, क्रॉस ऑफर. थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. जब एक ऑफरी ऑफर करता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, उसमें मॉडिफिकेशन करके ही इज सैड टू हैव मेड. जब भी ऑफरी ऑफर करता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि चेंज करता है, अपनी एक्सेप्टेंस तो देता है लेकिन चेंज कर देता है ओरिजिनल ऑफर के अंदर, तो उसको. मैडम हमें याद है क्या है आंसर, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें. ऑप्शन नंबर ए है जनरल ऑफर, ऑप्शन नंबर बी है स्पेशल ऑफर, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस ऑफर, ऑप्शन नंबर डी है काउंटर ऑफर. मैडम आपने बताया था क्वालिफाइड, मॉडिफिकेशन और वेरिएशन, इन तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आता है तो उसका सीधा रिलेशन होता है काउंटर ऑफर के साथ. तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काउंटर ऑफर. क्वेश्चन नंबर फोर, ऑल ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज. याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे ऑफर जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं. ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जनरल ऑफर, ऑप्शन नंबर बी स्पेशल ऑफर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस ऑफर, ऑप्शन नंबर डी स्टैंडिंग कॉन्टिन्यूइंग या ओपन ऑफर. मैडम इसका आंसर है डी, स्टैंडिंग कॉन्टिन्यूइंग या ओपन ऑफर, क्योंकि यही एक ऐसे ऑफर है जो कुछ समय के लिए ओपन रहते हैं. आपने इसमें एग्जाम्पल भी हम लोगों को दिया था, हमें बिल्कुल याद है. चलिए नेक्स्ट है टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. क्या ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था या नहीं दिया था कि टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शंस देखिए,
ऑप्शन नंबर ए जनरल ऑफर, ऑप्शन नंबर बी स्पेशल ऑफर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस ऑफर, ऑप्शन नंबर डी स्टैंडिंग कॉन्टिन्यूइंग या ओपन ऑफर। टेंडर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कुछ समय के लिए ओपन रहता है ना, तो उसका जो रिलेशन होता है वो कौन से ऑफर के साथ में है, स्टैंडिंग कॉन्टिन्यूइंग या ओपन ऑफर, यानी कि आपका आंसर है डी, राइट। सिक्स्थ है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज, जब आप किसी कंडीशन प्रपोजल में डली हुई किसी कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑप्शन नंबर बी एन ऑफर ऑफ द प्रपोजल, ऑप्शन नंबर सी रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, राइट। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन इज अ, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो किसी के थ्रू भी एक्सेप्ट की जा सकती है, न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट किसी के थ्रू भी एक्सेप्ट की जा सकती है, तो वो आपकी क्या होगी। मैम न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट आपने बताया था कि जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है, तो वो हमारा जनरल ऑफर के अंदर कंसिडर होता है और जनरल ऑफर के अंदर ही हमारा इन्विटेशन टू एन ऑफर आता है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आंसर नंबर ए रहेगा, दैट इज जनरल ऑफर। अब है क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एन ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग, ऑफर कैसे क्रिएट होता है आपका, एसेंशियल एलिमेंट याद करिए, ऑफर आपका क्रिएट करने के लिए आपको कैसा रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है, वैलिड रिलेशन, लीगल रिलेशन, वॉइडेबल रिलेशन। मैडम आपने बताया था कि अगर ऑफर वैलिड बनाना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में तो आपको लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीगल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन, अ ऑफर टू सेल टू बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल दिस ऑफर इज, जो ऑयल का हमने एग्जाम्पल लिया था वो याद करिए, क्या उस ऑयल के एग्जाम्पल के अंदर में सर्टेनिटी थी या अनसर्टेनिटी थी, धुंधलापन था ना उसमें, कुछ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन था नहीं। देखिए एक बार ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सर्टेन एंड एम्बिग्यूस, क्या यहां पर स्पेसिफिकेशन था, मैम बिल्कुल भी नहीं था। क्या यहां पर अनसर्टेनिटी थी, हाँ जी मैम यहां अनसर्टेनिटी थी और धुंधलापन भी था, क्लैरिटी नहीं थी, एम्बिग्यूटी थी, यहां एम्बिग्यूटी का मतलब धुंधलापन, विच इज नॉट क्लियर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है एम्बिग्यूस एंड अनसर्टेन, राइट। क्वेश्चन नंबर टेंथ है एन ऑफर कैन बी, ऑफर हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ओनली इंप्लाइड, क्या इंप्लाइड हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इधर एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑफर मे बी, एक ऑफर कैसा हो सकता है, कंडीशनल नहीं हो सकता क्या, कंडीशन हो सकती है लेकिन नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला साइलेंट है तो भी आप उसको एक्सेप्टेंस कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, कंडीशन तो हो सकती है लेकिन पॉजिटिव कंडीशन होनी चाहिए, नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ऑफर कैसा, ऑफर मे बी कंडीशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑफर, ऑप्शन नंबर ए है एक ऑफर में कंटेन हो सकती है एक टर्म जो कंप्लाई नहीं की तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगी, ये तो नेगेटिव कंडीशन है, ये तो हमने मना कर रखा है। ऑप्शन नंबर बी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वो कंप्लाई नहीं हुई तो एक्सेप्टेंस बन जाएगी, हाँ ये ऑप्शन ठीक लग रहा है क्योंकि ये हमारा एसेंशियल एलिमेंट भी था कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले की साइलेंस भी एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो रही है, राइट। ऑप्शन नंबर सी शुड कंटेन अ टर्म नॉट कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वो फुलफिल नहीं हुई तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस कन्वर्ट हो जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, अ काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, क्या ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज एन एक्सेप्टेंस विद ए वेरिएशन। मैडम आपने बताया था वेरिएशन वर्ड आए तो बिना सोचे समझे टिक कर देना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द ऑफर और एक्सेप्टेंस इज मेड और कंप्लीट, ऑफर और एक्सेप्ट, ऑफर कब कंप्लीट मानी जाती है, व्हेन पार्टीज आर फेस टू फेस, व्हेन पार्टीज कम्युनिकेट बाय पोस्ट और टेलीफोन, नेवर एवरी टाइम।
देखो पार्टीज फेस टू फेस है तो सामने सामने ही ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगा, लेकिन पोस्ट और टेलीफोन के केस में अगर होता है तो एग्जैक्ट टाइम जानने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर एक एक टाइम का भी डिफरेंस पड़ जाता है। यहाँ पूछा गया ना कि एग्जैक्ट टाइम की कहाँ जरूरत पड़ती है, तो एग्जैक्ट टाइम की जरूरत पड़ती है पोस्ट और टेलीफोन के केस में। मैंने आपको बताया भी था कि जब पोस्ट टेलीफोन या टेलीग्राफ का केस होता है वहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम डे डेट सब कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, ए ने पोस्ट किया लेटर बी को, लेटर ऑफ ऑफर 16th August 12 noon को, और वो लेटर पहुंचा 18 August 12 noon को, और रीड किया 2 PM, 2 बजे रीड किया। बताइए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? मैडम आपने बताया था जब रीड करे तभी कंप्लीट होगा, तो रीड कब किया? फर्स्ट ऑप्शन है ए ने जब पोस्ट किया तो कम्युनिकेट माना जाएगा, बी ऑप्शन है जब रिसीव हुआ तो कम्युनिकेट माना जाएगा, सी ऑप्शन है जब रीड किया तो कम्युनिकेट माना जाएगा, डी ऑप्शन है जब राइट किया तो कम्युनिकेट माना जाएगा। नहीं, जब रीड किया तो कम्युनिकेट माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन बी रीड्स इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इन द केस अबव, मतलब ऊपर वाले सेम क्वेश्चन में, ए कैन रिवोक हिज ऑफर, ए अपना ऑफर कब रिवोक कर सकता है? बिफोर हिज लेटर ऑफ ऑफर रीचेस, ऑफर रीचेस बी, बिफोर बी राइट्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मैंने आपको बताया था जिसको आप ऑफर दे रहे हो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट करे, तब तक भी नहीं जब वो पोस्ट करे ना, उसके पहले पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख करके पोस्ट करने जा रहा हो आपको, उससे पहले पहले ऑफर अपना रिवोक कर सकते हैं आप। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इज द करेक्ट आंसर, बिफोर बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। आप चाहें तो आप आंसर कीज को भी चेक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहां पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। होपफुली आपको आज का